ग्वालियर के इसरोल पुलिस ने जमीन का सौदा करके मुकदमे के मामले में धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया है। करीब 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में दो महिलाओं सहित तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जमीन खरीदने और बेचने वाली दोनों ही आपस में दूर के रिश्तेदार लगते हैं। मेहरा टोल प्लाजा के पास 1.5 बीघे जमीन का सौदा संजय पाल ने सुनीता बघेल, नारायणी बघेल और परमाल बघेल के साथ किया था। संजय पाल ने अपने खाते से 18,65,000 रुपये नकद दिए, जबकि बाकी रकम उन्होंने नकद भुगतान की थी। दोनों ही पक्ष उरावली चौरा के नजदीक रहते हैं। यह सौदा करीब 1.5 साल पहले दिसंबर 2021 में किया गया था। 1.5 साल के भीतर संजय पाल सुनीता बघेल और उसके पति तथा बुआ को 65,65,000 रुपये का भुगतान कर चुका था, लेकिन जब रजिस्ट्री का मौका आया तो इन्होंने रजिस्ट्री नहीं की, ना ही पैसे वापस किए। बाद में पुलिस में संजय पाल ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद फिलहाल 18,65,000 रुपये की धोखाधड़ी, अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया है, जबकि बाकी चुकाई गई रकम की पुलिस ने संजय पाल से डिटेल मांगी है। इस मामले में संजय पाल का कहना है कि उन्होंने 1.5 साल के भीतर सुनीता बघेल और अन्य लोगों को 65 लाख से ज़्यादा का भुगतान किया है। सिरोल में एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ है। उसमें जमीन के सौदे को लेकर 4 लोगों ने एक व्यक्ति के साथ में धोखाधड़ी की है और उसको रजिस्ट्री करने के लिए कहा कि जमीन दिखाई और रजिस्ट्री बताया कि रजिस्ट्री कर दें। उसके बाद रजिस्ट्री नहीं करी। इस बात को लेकर ये बार बार पैसे मांगे गए, तब भी उसने पैसे वापस नहीं किए। इस बात से पंजीबद्ध किया गया।